लाइव टीवी एस प्लस द नंबर वन न्यूज चैनल। बेटे की मौत का इंसाफ पाने के लिए तरसती बूढ़ी आंखें व मासूम बच्चे। लगभग 50 दिन बीत जाने के बाद भी बेरहम अपराधियों की नहीं हो सकी है धरपकड़। दर्दनाक खबर है प्रतापगढ़ के थाना कंधई के परमी पट्टी की, जहां पर विगत 5 मई को एक मामूली से नाली की दीवार बनाने को लेकर हुई कहासुनी हत्या का कारण बन गई, जिसमें पीड़ित उदय राज तिवारी के बेटे विवेक तिवारी 40 वर्ष की विपक्षियों ने बड़ी ही बेरहमी से फावड़े सरिये आदि धारदार हथियारों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक अध्यापक था और उसके परिवार में पत्नी सहित 2 छोटे बच्चे हैं। अचानक से इस तरह के दर्दनाक हादसे की वजह से पूरा परिवार टूट गया है। लिखित तहरीर और नामजद अपराधियों पर FIR होने के बावजूद अभी तक मृतक के गुनहगार पुलिस की पहुंच से दूर है। मृतक के पिता दर दर की ठोकर खाते हुए अपने बेटे के इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। मृतक के बूढ़े माता पिता व उनके छोटे छोटे बच्चे के आंसू ऐसी कहानी बयां कर रहे हैं जिसमें बेपनाह दर्द है और हर कोई बस यही चाहता है उनके साथ इंसाफ हो। आखिर एक तरफ जहां कड़े निर्देश के साथ राज्य सरकार भूमि विवाद व आपराधिक मामलों को निपटाने में जुटी हुई है, ऐसे में ऐसी दर्दनाक घटना पर न्यायिक प्रक्रिया इतनी लापरवाही क्यों दिखा रही है? क्या कभी अपराधियों के हौसले पस्त होंगे? बड़ा सवाल, पुलिस झुलमुल रवैया अपनाते हुए आखिर क्या बताना चाहती है? क्या इससे अपराधियों के हौसले और नहीं बढ़ेंगे? क्या इसी प्रकार योगी आदित्यनाथ के ना गुंडा राज के सपने पूरे होंगे? कई सवालों पर जवाब नदारद हैं। सर, पीड़ित के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा है, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राका उत्तर प्रदेश प्रभारी हूँ। मैं पीड़ित परिवार के न्याय दिलाने के लिए बराबर लगातार प्रयास कर रहा हूँ और फिर पुलिस अली आश्वासन दे रही है। आज 46 दिन बीत चुके हैं या सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई, वो भी काफ़ी दबाव के बाद। जब बात किया जाता है चौकी इंचार्ज से या विवेचक से या यशोदार से, एस पी साहब से, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। अभी तक न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी तक आपने कितने लोगों तक ये अपनी बातें पहुंचाई है, कितने प्रशासनिक अधिकारियों तक? SP से हमारी वार्ता हुई है, यशोदार से वार्ता हुई है, CO से वार्ता हुई है, सभी से वार्ता बराबर हो रही है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। तो इसमें इंसाफ मिल देरी हो रही है, तो अब अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा क्या करना चाहेंगे? अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो मजबूरन हमको सड़क धरने के लिए बात होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इंसाफ दिलाने लॉकडाउन का पालन करते हुए हमने इतना दिन इंतजार किया, लेकिन अब पीड़ित के आंसू हमसे देखे नहीं जा रहे हैं। पीड़ित परिवार बराबर इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है, उल्टा पीड़ित परिवार को ही प्रशासन की तरफ से दबाव मिलता है। ना तो उसके वो बयान लिखा गया है, कुछ लिखा नहीं गया है। ऐसे में ही कुछ हमको सुनने में आया कि धारा भी कम की जा रही है, जबकि 5-5 अपराधियों के नाम दर्ज किए गए हैं। आज तक 46 दिन बीत ही चुके हैं, चाहिए तो इनको पकड़ते, जमीन खोद के लाते, आसमान खोद के लाते, लेकिन इनको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। विवाद हमेशा जख्म दे जाते हैं, इसी के अंतर्गत अभी आप देख पा रहे हैं, मैं इस समय शाम के दौरान पहुंचा हूं। एक ऐसी घटना को अंजाम हुआ था जिसका लमसम 40 से 45 दिन बीत गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई पीड़ित न्याय नहीं मिल पाया है। बात विवाद सिर्फ इतना था कि पड़ोस का मामला था, आपस का मामला था, सिर्फ छोटी सी जमीन का विवाद था जिसमें नाली के साथ में एक दीवार खड़ी करनी थी, उसी विवाद को लेकर एक ऐसा जख्म उस परिवार को मिला है जिससे कि वो कभी भर नहीं पाएगा। विवेक तिवारी जी जो टीचर थे पेशे से, उनके परिवार का आपको दर्द दिखाना चाह रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। उनकी फैमिली है, उनका एक घर है जो अभी पिछले लगभग 40 दिन पहले उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। जब किसी को जख्म होता है तो वो बड़ा दर्दनाक होता है, लेकिन अगर किसी प्रकार की सोची समझी साजिश के तहत किसी के साथ में कोई घटना घटती है तो वो जख्म कभी नहीं भर पाएगा। इसी प्रकार से अपने बेटे के न्याय के लिए उनके पिता की बूढ़ी आके तरस रही है कि कब उनके बेटे के जो कातिल है उनको सजा मिल सके। आइए हम जानते हैं उन्हीं के पिता से उनकी दर्द की जुबानी की क्या कहना चाह रहे हैं। 40 दिन बीत जाने के बाद भी उनके बेटे के कातिलों तक अभी पुलिस पकड़ नहीं पाई है, उन तक अभी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है और आज भी वो खुले घूम रहे हैं। ऐसे में उनका दर्द कैसे झलकता है? क्या नाम है जी आपका? जरा, क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरे लड़के को अपराधियों ने जो है गगन तिवारी, प्रेमचंद तिवारी और सुरेंद्रनाथ तिवारी छोटे, विकास तिवारी एवं अनिल कुमार तिवारी, फिर हमने फावड़े हरिया
लाठी डंडे से हमला बोल करके जान से मार दिए। घटने के लिए कारण क्या था, किस वजह से घटना? जमीनी विवाद था घर के पीछे ही। कितना जमीन विवाद था? थोड़ा था। कितने दिन पहले की घटना है? ये करीब 50 दिन हो गए। 50 दिन तो अभी तक इसमें क्या कार्रवाई हुई? बस FIR हो गया, पुलिस आपके हर घर की गलती है, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जब जाते हो किसी चीज़ को लेके बात करते हैं आपके की प्रशासनिक अधिकारी से, क्या जवाब मिलता है? कहते हैं वह सुराग नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपने नामजद लोगों को तहरीर दी है? हाँ, नामजद लोगों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीड़ित जो है वो नामजद लोगों को तहरीर दी है, लेकिन पुलिस इतना लापरवाही दिखा रही है कि अभी तक उन तक पहुँच नहीं पाई है। इससे संबंधित जो प्रत्यक्ष थे, जो जिनके साथ में घटना हुई, उनके भाई भी उसी तरह मौजूद थे, हम उनसे बात करते हैं कि मौके पर आखिर हुआ क्या। मौके पर हमारे भाई विवेक तिवारी की हत्या जो है 5 तारीख को जो है 5/5/2020 को फावड़े के पासे से बात कर दी गई थी, जिसमें जो है 5 अभियुक्त जो है नाम दर्ज है। क्या कोई पुरानी रंजिश थी क्या? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, जो है आपसी सब भाईचारा था, बस जो है वो साजिश रच के जो है उनको मार दिए, बुला के मारे। अच्छा, उस समय आप भी मौजूद थे? हाँ, आपके साथ भी कोई? हाँ, हमको भी जो है हमारे माथे पे सिर की चोट आई थी, रात से हमको सीओम अवनीश तिवारी और सीओम ने मारा था। तो अभी क्या आपके साथ में न्याय क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे अभी तक आपने कितने लोगों से गुहार लगाई? हमसे SP को भी जो है लिखित रूप से कंप्लेन दिया, CO को भी दिया, और थाने में कई बार जाके दिया, वहाँ थाने में सांत्वना के सिवा जो है कुछ भी नहीं मिलता है। बार बार यही कहा जाता है कि हमको सुराग नहीं मिल रहा है, हमको जो है कहीं से आप नंबर खोज के दीजिए, मतलब सारा कुछ हम ही पिला दिया जाता है कि आप ढूंढिए जो है, और प्रशासन जो है कुछ नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, पुलिस के ऊपर जब हम लोग आश्वस्त हो जाते हैं, एक पीड़ित आश्वस्त हो जाता है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे, और आखिर में वही अगर ये बात कहें कि आप हमें नंबर दीजिए या हमें सुराग दीजिए, तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। ऐसे में कितने पीड़ित को न्याय मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। इससे जुड़े ही अधिकारी कितना संज्ञान में इसको लेते हैं, SP तक ये मैटर है, और भी पता नहीं कितने उच्च अधिकारियों तक इन लोगों ने अपनी बात पहुँचाई है। लेकिन इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी अभी तक अगर पीड़ित परेशान हो रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय चीज है, जिसको कि यहाँ की अधिकारियों को तुरंत संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रतापगढ़ से ब्यूरो हरिकेश चौरसिया की रिपोर्ट।